अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू HSN एंटरटेनमेंट। माय नेम इज हसन। आज आपको लाहौर का सबसे बड़ा जो है ना बकरा दिखाने लगे हैं, जिसका नाम हीरा और हीरा भाई ने रखा हुआ है बकरा। और से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा बकरा है, एक खाली बड़ा होता है और एक बहुत बड़ा होता है माशाल्लाह। हीरा भाई से हम इसके बारे में पूछेंगे थोड़ा बहुत। और ये जो भाई बाय करना चाहता हो वो बाय भी कर सकता है, शौक करना चाहता हो शौक भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम हीरा भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। लें जी माशाल्लाह लाहौर का सबसे बड़ा बकरा है हीरा भाई का। अच्छा हीरा भाई, ये क्या उम्र का बकरा है इस टाइम? ये 8 वीक है भाई, 8 दांत है। 8 दांत का है जी। और कितना एक वेट वगैरह इसका होगा? इसका 5 मन के करीब वेट है, ऊपर ही होगा नीचे नहीं होगा। 5 मन के करीब वेट है माशाल्लाह। ये देखें मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। और कद इसका कितना है? कद का कोई आइडिया दे सकते हैं? 47 लेंथ 65। क्या बात है हीरा भाई, इसके तरफ सीने पे हाथ रखें ताकि चौड़ाई का इसका पता चले सीने की। ये देखें इनका हाथ कितना छोटा बढ़ गया सीने पे, इवन के थोड़ा सा इधर लाइन जाए थोड़ा सा। इनका तो इनका मेरा हाथ भी छोटा पड़ जाएगा जी। जी अंदर चलाने लाइट से, अंदर की मेरा ख्याल आदत पड़ी हुई है वो ना, मक्खियां तंग करती हैं। अच्छा हीरा भाई, कितने साल से आप शौक कर रहे हैं? ये जी मेरे दादा अब्बू का शौक है, ये दादा परदादा का शौक चलता आ रहा है। दादा परदादा का ज्यादा है, मेरे वाला साहब को भी बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा हाँ जी। तो आपने जो है इसको कब बाय किया, मतलब कितनी देर से आपके पास? ये तकरीबन मेरे पास जो है ना 11 मंथ से है, पर तैयारी जो है मेरी 6 मंथ की है। 11 महीने पहले कितना वजन था इसका? तकरीबन होगा कोई 80-90 किलो, यानी कि नॉर्मल आम बकरों जैसा था। आम बकरा ही था। और अभी इसका 6 महीने का भी पिक पड़ी है, 6 महीने पुरानी। आपके पास तस्वीरें हैं 6 महीने पहली? हाँ जी। और मुझे दे सकते हैं? जी व्हाट्सएप कर दें जी। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है ना उनकी तस्वीरें नजर आ जाएंगी, जो 6 महीने पहले की तस्वीरें थी। और अभी देखें कि माना नहीं जा सकता इस बात को कि पहले ये 80-90 किलो का था और अभी इसका जो है साइज वगैरह क्या हो चुका है, 5 मन से ऊपर जा चुका है बकरा। अच्छा ये आपको बड़ी जफियां शफियां डाल रहा है सीने पे, आपके मुंह रख रहा है, ये क्या चक्कर है? एक सेकंड ये देखें, ये बड़ी जफियां शफियां डाल रहा है आपको। मेरा इसका जो है ना भाई प्यार ही बहुत, बड़ा लाड कर रहा है यार ये तो आपके साथ। और ये मेरा ख्याल मैं आऊंगा मेरे मुंह से मुंह लगाएगा, चाटेगा, बड़ा कुछ करता है। आपका भी माशाल्लाह कद अच्छा खासा है जी, मेरा बकरा आपके बिल्कुल मुंह तक आ रहा है जी। आप लोग मेरे मुंह से ऊपर चल जाता है, मुंह से ऊपर चला जाता है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि अगर ये जो है जी, हम लोग इसको बाहर दोबारा से वन सकेंड लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला नजरे बात से बचाए। हीरे भाई का नंबर जो है ना आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। हीरा भाई इधर ही हीरा भाई का नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिस भाई को खरीदना हो इनसे फोन करके रब्ता कर सकते हैं, जब सेल हो जाएगा तब इसका नंबर हटा देंगे यहाँ से। और दूसरे नंबर पे अगर ये 2 टांगों पे खड़ा हो, जो मेरा ख्याल है कि हीरा भाई से ज्यादा लंबा है ये जी। आपसे ज्यादा लेंथ नजर आ रही है मुझे इसकी, इसको पे बंदा पूरा माशाल्लाह लेट सकता है। अच्छा आपने इससे पहले भी कोई मुकाबले वगैरह खेले हैं आपने? मैंने 2004 में छतरे का मुकाबला खेला था। छतरे का मुकाबला खेला था, सही है। मैं दूसरे नंबर पे आया था दोंदे कैटेगरी में। आप क्या समझते हैं कितने लोग एक बकरे को, इतने बकरे को संभालने के लिए काफी हैं? बंदा खुद ही अकेला ही काफी है, मैं अकेला संभाल रहा हूँ। खाली ये लगन की बात है, कितना प्यार करता है बंदा जानवर से। अच्छा पीछे जो छतरा है ये भी तैयारी पे है कि ऐसे शौकिया रखा हुआ है? शौकिया रखा है, छतरे का पुराना शौक है वो नहीं जा रहा। छतरे का पुराना शौक है, अच्छा अच्छा। बकरा हमारा हर साल ही इससे बड़ा होता है इंशाल्लाह जो है ना, हर साल ही। हर साल तैयार करते हैं बकरा, हर साल पहले से ज्यादा बेहतर होता है। ये देखें माशाल्लाह। ये भाई ये हीरा गोल्ड फार्म का बकरा है, एकदम यूनिक, बहुत बड़ा। और कुछ और जानवर भी खड़े हैं वो भी दिखाते चलें। हीरा भाई इसके बारे में कुछ बताएं जरा प्लीज, इसके बारे में कुछ बताएं, ये कहाँ से लिया हुआ है आपने, क्या उम्र? ये मैंने सरगोधा से मंगवाया था। सही है, आज से तकरीबन 3.5 माह पहले।
3.5 माह पहले आपने खरीदा था, सरगोधा से ही है। हाँ जी। तो अभी क्या उम्र होगी इसकी? ये अभी 2-3 के दान निकाले हैं इसने, धोंदा हो चुका है। जी जी, जब आया था बिल्कुल नॉर्मल था, छोटा सा था मेरे पास, तो माशाल्लाह इसने 3-3.5 महीने में बड़ी ग्रोथ बनाई है। तो हीरा भाई, खरीदने पहले क्या क्या पॉइंट देखे? इस तरह का बच्चा किसी ने लेना हो तो क्या क्या पॉइंट देखे भाई? इसकी हम बॉडी देखते हैं। इसको फिर ऐसे करके खड़ा करेंगे, ये देखें जी। हीरा भाई क्या कह रहे हैं? बॉडी भी टेक्सचर देखते हैं। जी जी सही है। साथ में जो है ना जानवर का वो फेस वगैरह देखते हैं, टांगे देखते हैं, नाक जो है इसकी तोते जैसी होनी चाहिए, ये देखें ना, टांगे टूंगे सीधी होनी चाहिए, झालर होनी चाहिए गर्दन के बड़े। आप क्या कहते हैं, फुल पॉइंट्स में बकरा छतरा? माशाल्लाह फुल पॉइंट्स में है ये। फिलहाल जो है ना 1-2 पॉइंट कम है इसमें, आपकी नजर में 1-2 पॉइंट कम है। कौन सा किसी ने नाम देना है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखें कोई और होता तो कह भी सकता था कि हाँ फुल पॉइंट है। ये नॉर्मल जो है ना फिलहाल जो है ना हाई कैटेगरी का नहीं है। अच्छा अच्छा सही है। जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छा। आपको दो बकरों को औशोक कराते हैं, लेकिन उससे पहले हीरा भाई का जरा मुर्गों का शौक आपको करवा दें। आपको पता है हम तो मुर्गों के शुदाई हैं जी। हीरा भाई इसके बारे में बताएं जरा, कौन सा मुर्गा है ये? पाकिस्तानी ब्रीड है ये। कहाँ का घर की ब्रीड है या किसी से आया? किसी दोनों घर के पट्टे, दोनों घर के पट्टे हैं। कितनी उम्र के होंगे इस टाइम ये? वो ये तकरीबन है, एक है 10 माह का और वो है 8-9 माह का हो गया होगा। 8-9 माह का, ये 10 माह का। हम लोग तो शुदाई है मुर्गों के। जी जी बहुत शौकीन है। हीरा भाई इसको बाहर निकाल सकते हैं आप? नहीं ये मारते हैं तो ना। अभी ये भी बकरा छोटा नहीं है, ये बकरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसको देखने के बाद ये बकरा एक मुनासिब साइज में लगने लग गया है। हीरा भाई क्या वजन होगा इसका इस टाइम? इसका होगा तकरीबन 100 से ऊपर ही होगा। इसको आप बाहर ला सकते हैं? जी। क्या वो उस टाइम इतना था जब आपने उसको तैयार करना शुरू किया था? जी वो इससे भी कमजोर था। अच्छा तो वो तो फिर अब पहचान। माशाल्लाह ये वाला बकरा देखें, और वो बकरा आज से 6 महीने पहले इतना सा था, बल्कि इससे भी कमजोर था। अच्छा आप लोग प्लाई वगैरह पे भी बकरे लेते हैं? प्लाई पे बकरे नहीं लेते हैं, अपने शो करना होता है। वो वाला बकरा फॉर सेल है, जिस भी भाई को चाहिए वो रابطہ कर सकता है। इसकी क्या उम्र हो चुकी है इस टाइम? ये 6 दांत है। सॉरी 6 दांत है, 6 दांत होंगे ये। ये 6 दांत का बकरा है माशाल्लाह, चेक करें। और हीरा भाई 100 किलो वजन बताया आपने? जी जी ये ले जी, ये देखें। सही है भाई, बहुत अच्छी बात है, एक्टिव है ना बकरा। ये चेक करें जी आप लोग, और कमेंट्स करके बताएंगे सबसे बेहतरीन बकरा कौन सा लगा है। साथ ही साथ लगे जाते एक बकरी का भी शौक करवा देते हैं आपको। ये आ गए जी महाराज शेरे पंजाब बाहर। माशाल्लाह चलो 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 अंदर चलो मैडम, चलो अंदर मैडम। लें जी एक तो ये रहा इनका बकरा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस भी भाई को ख़रीदना हो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं बिना झिझक। और जब सेल हो जाएगा वहाँ से नंबर हम हटा देंगे। उसके बाद दूसरा अपने जो बड़ा बकरा है वो भी देख लिया है, 5 मंथ से ऊपर है वजन उसका माशाल्लाह, वो भी फॉर सेल है, जिस भाई को चाहिए वो भी रब्ता करके ले सकते हैं। और इसके अलावा वो बकरा और इन बकरों के जो है प्राइस अपडेट यहाँ पर नहीं करेंगे, इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि हम कॉल पर आपको बताएंगे कि क्या रेट है, यहाँ पे वो नहीं बताना चाह रहे हैं। बरहाल आप लोग फ़ोन करें और फ़ोन पे रेट कर सकते हैं इनके साथ तसल्ली से। और ये वो वाला बकरा रहा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो बकरे देखे थे ना इस साइज़ के, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन ये आपके सामने उनको घसीट के साथ लेके जा रहा था शो पे। हम लोगों ने हीरा भाई बकरे देखे थे इस साइज़ के, तो खड़े नहीं हो पा रहे। वो वीडियो अपलोड हुई हुई है जिसके अंदर वो खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको टांगों पर वजन नहीं पड़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेश मूड में बकरा है, हालांकि आप देखें आज गर्मी कितनी है। वो पकड़ के धक्का लगा के उसको खड़ा किया था बकरे को, वो वीडियो अपलोड आ गई थी। माशाल्लाह मेरी आवाज सुनेगा उससे क्या खड़ा। अच्छा अच्छा आवाज से उठता है। हाँ जी देखा नहीं आपने आवाज? ये देखें जी ये नमक वगैरह भी अंदर लगाया हुआ है साथ ही। हलवे का बेहतरीन तरीका। बिल्कुल
लो यार लाइक शेयर कमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।